हेलो बच्चों क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर फाइव अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट फाइव आज का हमारा टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर जैसे लाइन ए बी परपेंडिकुलर है सी पे तो हम सिंबल लगाते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी जैसे इस फिगर में आप देखिए ये लाइन सी है और इस पर ए बी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्योंकि ए बी और सी के बीच में राइट right एंगल बन रहा है वी कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपेंडिकुलर लाइन्स एज लेटर टी वॉल स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल एक्सेट्रा अब पढ़ते हैं परपेंडिकुलर इस फिगर में देखिए लाइन सी पर मैंने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सो सी डी इज़ अ लाइन सेगमेंट एम उसका मिड पॉइंट है ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है ए बी सी डी को बाइसेक्ट भी कर रहा है बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो सी एम और एम डी बराबर है सो ए बी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ सी डी मतलब जब लाइन परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेकटर भी बाइसेकटर मतलब जो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स जैसे इसमें ए बी इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ सी डी नाउ लेट एस स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स फर्स्ट एडेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप टेबल के जो पास वाले किनारे होते हैं वो क्या होते हैं बी सी दैट दे आर परपेंडिकुलर बी द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक की जो लाइन्स होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होती है वो पैरल होती है सी लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल एल फॉर्म करने वाले जो लेटर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं द लेटर वी लेटर वी परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि वो एक्यूट है उसमें एंगल जो है वो राइट right एंगल से छोटा है क्वेश्चन नंबर टू लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन पॉइंट ए वॉट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई तो पहले ये फिगर बना लेते हैं मान लीजिए लाइन सेगमेंट एक्स वाई है और उस पर हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है अब इस पर आप देख रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री क्वेश्चन नंबर थ्री देर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स

क्वेश्चन नंबर फोर स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम नाउ ए इज सी ई इज इक्वल टू ई जी हम देख रहे हैं सी ई थ्री से लेकर फाइव तक मतलब दो यूनिट्स का है और ई जी फाइव से लेकर सेवन तक वो भी दो यूनिट्स का है सो वी कैन से यस दे आर इक्वल बिकॉज बोथ मेजर टू यूनिट्स बी डज पी ई बाई सेक्ट सी जी क्या पी ई सी जी को बाइसेकट कर रहा है तो इसमें हम देखते हैं यस yes, क्योंकि सी ई -E और ई e जी दोनों बराबर हैं दोनों दो दो, दो यूनिट्स हैं ना, सो इट इज बाईसेक्टिंग सी आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर which PE is इज परपेंडिकुलर इसमें पी ई किस, किस के लिए परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का काम करेगा तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम लाइन सेगमेंट डी एफ ले या सी जी या बी एच इन तीनों के लिए ही पी ई बाई सेक्टर होगा क्योंकि अगर आप डी एफ लेते हो तो डी ई और ई एफ दोनों बराबर है वन वन यूनिट ईच अगर आप सी जी लेते हो तो सी ई और ई जी बराबर है टू टू यूनिट्स ईच और अगर आप बी एच लेते हो तो बी ई और ई एच आर टू टू यूनिट्स ईच नाउ डी आर दीज ट्रू आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स फर्स्ट ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी इसमें आप देख रहे हैं ए सी जो है वन से लेकर थ्री तक मतलब टू यूनिट्स है और एफ जी जो है वो एफ सिक्स से लेकर सेवन तक मतलब वन यूनिट है सो टू यूनिट्स इज ग्रेटर देन वन यूनिट इट इज़ ट्रू सी डी इज इक्वल टू जी एच सी डी सी से लेकर डी वन यूनिट है और जी एच जी से ले एच वो भी वन यूनिट है सो इट इज ट्रू बी सी इज़ लेस देन ई एच बी सी मतलब टू से लेकर थ्री तक वन यूनिट और ई एच ई एच इज फ्रॉम फाइव टू एट थ्री यूनिट्स तो वो लेस है इट इज ऑल्सो ट्रू यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी अंटिल देन बाय